देहरादून सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी समिति के अध्यक्षों समेत अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान दुग्ध उपार्जन, विपणन और दुग्ध संघों के बढ़ते ओवरहेड को कम करने को लेकर डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को दुग्ध संघों के दुग्ध उपार्जन और विपणन में वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध संघों के अत्यधिक ओवरहेड को कम करने के लिए एक माह में कार्य योजना तैयार करने को कहा है, ताकि संस्थाओं के बढ़ते व्यय को कम करके लाभ को दुग्ध उत्पादकों को हस्तांतरित किया जा सके। इसके अलावा समस्त दुग्ध संघों को वर्तमान दूध क्रय दर में प्रति लीटर न्यूनतम 2 रुपए की तत्काल वृद्धि करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इस साल भूसे की उपलब्धता और उसकी बढ़ती दरों की समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य योजना तैयार करने को कहा है, ताकि भविष्य में भूसे की समस्या से निपटा जा सके और प्रदेश के किसानों को समय से भूसा उचित दरों पर उपलब्ध हो सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं लोगों के बीच गया, दो बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं। एक तो जो मिल्क हमारा प्रोक्योरमेंट है, कुछ सोसाइटीज में गिरा है, उधम सिंह नगर में गिरा है, हरिद्वार में गिरा है, देहरादून में गिरा है और पर्वतीय क्षेत्र में अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ है। और उसके साथ साथ जो हमारा भूसा का रेट बढ़ा है बहुत, तो उसकी वजह से हमारी मिल्क प्रोक्योरमेंट कम हो रहा है। तो उसी पर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, तो समीक्षा बैठक में हमने सारे अध्यक्षों को एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिलवाया है फेडरेशन से कि क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से।